हेलो दोस्तों, तो आज वापस से मैं आप सभी के लिए मिर्च कचरिया की सब्जी लाई हूँ। ये मेरी पहली वीडियो थी जो कि वायरल हुई थी। आपने इसको बहुत सारा प्यार दिया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। काफ़ी लोगों ने उस टाइम मुझसे पूछा था कि कचरिया तो कड़वी होती है, इसकी सब्जी नहीं बनाई जाती है, बट मैं आज आपको बताऊंगी कुछ कचरिया कड़वी निकलती है, कौन सी कचरिया कड़वी होती है, उसकी क्या पहचान होती है, बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगी। तो आपकी सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। ये एक ऐसी सब्जी है, इसको 10 दिन रखकर भी खाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा और राधा जी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। करते हैं रेसिपी को स्टार्ट बिना देरी कर। आप जब भी मार्केट से कचरिया लेके आओ ना, तो जो नरम नरम आती ना पिलपिली कचरिया, वो लेके आना। वो एकदम पकी पकाई आती है और जिनका कलर पूरा हरा कलर का नहीं होता है, कुछ पीलेपन पे आती हैं, तो ये कचरिया बढ़िया होती हैं। वो जो मैंने हाथ में ले रखी ना हरी कर्च, ये कचरिया कड़वी बन सकती है। तो ऐसी कचरिया नहीं लेनी है, और जिनमें डंडी लगी आती ना, ये कचरिया आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि ये पक्कर अपने आप टूटती नहीं है, ये लगी रहती है उसमें, तो ये पूरी ही कड़वी बनती है, कच्ची रहती है ना इसीलिए। तो आपको पकी पकाई कचरिया लेनी होती है, जैसे जो पीलेपन पे होती ना, जिनके छिलके भी पतले होते हैं और सब्जी एकदम बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो वेट की बात करें तो मैंने आधी किलो यहाँ कचरिया ले ली है। अब इनको हम क्या करेंगे, काट लेंगे। तो दोनों साइड से पहले हमें कॉर्नर पर से कट लगा लेना है इस तरीके से। छिलका वगैरह कचरिया का जो है नहीं निकाला जाता है, और इनको 4 भागों में बांट लेंगे। वैसे तो देखा जाए कचरिया जो है चौमासे के टाइम पे आती, मतलब बारिश का मौसम जिसे बोला जाता है, बट अब क्या है गर्मी में भी बारिश हो जाती है, जैसे हर दूसरे तीसरे दिन आंधी बारिश तो हर जगह आ ही रही है, तो उस वजह से कचरिया इस बार जो है मार्केट में जल्दी आ गई है। और साल को देखते हुए एक कचरिया की पहचान ये होती है कि आप इसको जब छिलके को निकालो, नाखून से दबाओ, तो इसमें जो अपना नाखून है ना अच्छे से गड़ जाता है और छिलका भी जो है निकल जाता है। तो ये वाली कचरिया भी जो है आपकी एकदम बढ़िया रहती है। वो इनका कलर भी जो है थोड़ा लाइट पन पे हरा आता है, तो कचरिया जो है अच्छी निकलती है। और ये वाली कचरिया देख रही हो ना, ये बिल्कुल पकी पकाई है। आप इसको खाओगे ना तो ही अच्छी लगेगी, मतलब रूखा भी खा सकते हो। जैसे जो लोग फ्रूट खाते हो ना, उनके लिए बहुत अच्छी लगती है। जैसे फ्रूट जैसा टेस्ट आता है ना, सेम वही आएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, बूरा जो चीनी का तगार बोली जाती है ना, उससे इसको खाएं तो मीठी मीठी बहुत अच्छी लगती है। देख रहे हो आप, हम इसे दबा रहे हैं हाथों से, तो कितनी फुसफुसी हमारी कचरिया निकली है। तो ऐसी कचरिया खरीदोगे तो आपकी सब्जी कभी भी कड़वी नहीं बनती है। तो सभी कचरिया को हम यहाँ इसी तरीके से कट कर लेंगे। कचरिया बड़ी बड़ी है, हमने 4 भागों में कट कर लिए। आप चाहो तो इनके 8 पीस में भी इनको कट कर सकते हो टुकड़ों में। तो सभी कचरिया को हम यहाँ काट लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, कचरिया आपको वो वाली नहीं लेनी, देखो मैंने बोला था ना जो ज़्यादा हरे कलर की आती है, डार्क ग्रीन, ये नहीं लेनी। इनमें चक्कू चला रहे हैं तो चक्कू भी नहीं चल रहा, और कट कट की आवाज़ आ रही है, और हाथों से अच्छे से दबा रहे हैं पूरी जोर लगा के, बट ये टस से मस नहीं हो रही। आप देख सकते हो नाखून भी इनमें गड़ा रहे हैं पर गड़ नहीं रहा है। तो ये वाली कचरिया जो होती है ना कड़वी बनती है, फिर सब्जी भी इनकी टेस्टी नहीं लगती, तो इनको हटा देना। तो हमने कचरियाँ सभी काट लिए, बिल्कुल मैंने आपको सभी पहचान बता दी है। आपकी सब्जी बेफिक्र हो के आप बनाना, एकदम बढ़िया सब्जी बनेगी। आधी किलो कचरिया में 250 ग्राम हरी मिर्ची लगती है, क्योंकि कचरिया जो होती हैं वो थोड़ी मतलब फीके से पन पे होती हैं, तो उनमें 250 ग्राम मिर्ची लग जाती है। तो मिर्ची जो ली हमने मोटी मोटी ली, तो ये ज़्यादा तीखी नहीं है, ठीक है। आप पतली पतली मिर्ची लो तो ज़्यादा मत लेना, नहीं तो 250 ग्राम में बहुत चटपटी सब्जी बन जाएगी आपकी। बाकी है ना ये वाली मिर्ची जो आती है कम तीखी होती है, तो मिर्ची को भी धो लिया था हमने, और हाँ कचरिया को भी धो के ही काटा है। तो अब इनको हम यहाँ इस तरीके से आधा आधा कट कर लेंगे, और सभी मिर्ची को इसी तरीके से आपको कट कर लेना है। यदि आप तीखापन थोड़ा कम पसंद करते हो सब्जी में, तो मिर्ची की क्वांटिटी 4-6 मिर्ची इसमें कम कर सकते हो। तो सभी मिर्ची को हम यहाँ इसी तरीके से कट कर लेंगे। अब आप देख रहे हो दोनों चीज़ हमने यहाँ काट के तैयार कर लिए। क्वांटिटी आपको कचरिया की ज़्यादा नज़र आएगी, और मिर्ची उससे आधी नज़र आएगी। तो चलते हैं बिना देरी करे सब्जी बना लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स एक तैयारी और आपको यहाँ कर लेनी है, कि लहसुन की एक पूरी पोती लेनी है और इसको पूरा छील लेना है। कचरिया की सब्जी में लहसुन अच्छा लगता है, और प्याज बिल्कुल भी इसमें नहीं डाली जाती है। तो लहसुन को हम यहाँ छिलका निकाल लेंगे, सभी पूरे लहसुन की मैं यहाँ कली निकाल लेती हूँ। तो लहसुन को हमने यहाँ छील लिया, अब इसको खल्लड़ में डाल के हम यहाँ कूट लेंगे। तो इससे क्या होगा, दरदरा दरदरा लहसुन हमारा हो जाएगा, जो कि अच्छा लगेगा। बिल्कुल आपको पेस्ट नहीं बनाना है इसका, ठीक है, थोड़े दरदरा दरदरा रख लेना है। गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी। अब इसमें हम 3 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल रहे हैं। सरसों के ही ऑयल में ये जो कचरियाँ अच्छी लगती हैं, सरसों के ऑयल को आपको ज़्यादा गर्म करना होता है, ठीक है, बिल्कुल धुआं आने तक, वरना गैस में लेक रह जाती है। एकदम धुआं आ गया हमारे ऑयल में जब इसमें हम जीरा डाल रहे हैं 1 चम्मच, तो आधी चम्मच हमने यहाँ राई डाल दी, मस्टर्ड सीड, साथ में 2 पिंच हींग डाल दिए, क्योंकि मिर्ची है तो वही हींग से बहुत अच्छी लगती है।
अब हम क्या करेंगे, इसमें मिर्ची डाल देंगे और गैस की फ्लेम स्लो कर लेंगे। साथ में इसमें हल्दी डाल देनी हमें 1/4 चम्मच से भी कम नाम मात्र की, जिससे क्या होगा हमारी मिर्ची में अच्छा सा कलर आ जाए, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ज़्यादा मत डालना वरना हल्दी आंधी हो जाएगी सब्जी, जो हमारे यहाँ बोला जाता है। तो इसको अच्छे से हम यहाँ मिक्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर धनिया पाउडर डाल देते हैं। तो 1 टेबल स्पून के लगभग यहाँ धनिया पाउडर डाल देंगे, दरदरा कुटा हुआ। साथ में आप क्या करना, जो लहसुन हमने कूट के रखा है ना, उसे डाल देना है इसी में। मिर्ची से पहले हमने लहसुन को यहाँ इसलिए नहीं भुना था क्योंकि लहसुन को हमने कूट के लिया है, मिर्ची में पानी वगैरह हम डाल नहीं रहे अभी कुछ भी। तो क्या होगा, लहसुन हमारा मिर्ची के साथ अच्छे से भुन जाएगा यदि हम इसको पहले यहाँ पर भून लेते। तो मिर्ची जब तक थोड़ी बहुत फ्राई होती तो लहसुन हमारा कड़वाहट में बन जाता, मतलब जल जाता। तो अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, पूरा नमक नहीं डालेंगे, इतना नमक डालना है हमें मिर्ची को देखते हुए ओनली, और इसको चलाते हुए मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसको हम यहाँ क्या करेंगे, कवर करके रख देंगे, और बीच में आप 1-2 बार देख लेना, करीब आपको 2 से 3 मिनट यहाँ लग जाएंगे, मिर्ची आपकी आधी पक जाएंगी, कुरकुरी हो जाएंगी, कुछ सॉफ्टपन पे आ जाएंगी। देख रहे हो, इनमें एक अलग सी क्रिस्पीपन सा लेयर सा आ गया है, कुरकुरी कुरकुरी हो चुकी है। मिर्ची को पहले ही पका लेना होता है हमें, क्योंकि ये कचरिया डालने के बाद पकती नहीं है। आप देख रहे हो ना कितनी सुंदर कचरिया लग रही है लाल लालपन पे, ये रूखी भी खाओ तो अच्छी लगेगी। साथ में कचरिया को डालने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ इसमें नमक डाल देना। वो सभी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक हमने आधा पहले डाल दिया, आधा डाल दिया वो इसलिए क्योंकि कचरिया में भी नमक अब डल जाएगा तो ये जल्दी से पक जाएंगी, वरना मिर्ची के साथ इसको पकाते फिर टाइम लगता थोड़ा इसीलिए। तो इसको ढककर रख देंगे, 5 से 7 मिनट आपको लगभग टाइम लग जाएगा। बीच में 1-2 बार आप यहाँ देख लेना, वो गैस की फ्लेम स्लो कर देना। तो देख रहे हो कचरिया जो है हमारी पकी सी हो गई है और इनमें काफ़ी जूस सा निकल गया है। कचरिया के बीज वगैरह आप बिल्कुल मत निकालना क्योंकि खाने में अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से इसको चला देंगे हम, वो वापस से इसको कवर करके हमें जो है रख देना है, क्योंकि अभी इनमें कसर है थोड़ी सी और ये जो पानी सा रस्सा दिख रहा है ना, ये पूरी तरीके से जल जाएगा, मतलब इनमें अपने आप में मिर्च कचरिया दोनों एक जैसी हो जाएंगी, सूखी सी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। तो एकदम बढ़िया हमारी मिर्च कचरिया बन गई, क्योंकि ऑयल जो इनमें अपने आप सेपरेट हो गया है, अब इनमें रस बिल्कुल भी नहीं बचा है, जो भी टेस्ट है फ्लेवर है वो सब मिर्च कचरिया में आ गया है। कचरिया को हमने यहाँ दबा के देखा, आसानी से दब रही है, सॉफ्ट हो गया है इनका छिलका पूरी तरीके से। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सौंफ डाल देंगे फ्रेंड्स। सौंफ डालने से कचरिया का टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा आता है। तो 1 टेबल स्पून ही हमें सौंफ डालनी है, साथ में थोड़ा सा आमचूर पाउडर और 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ऑलरेडी मिर्च कचरिया की वीडियो दे रखी है, आप जाकर देख सकते हो। स्टार्टिंग में बनाई थी, बहुत टेस्टी लगती है सब्जी, आप जरूर ट्राई करें, क्योंकि हर मौसम में अपनी अपनी सब्जी आती है और उन सब्जियों का अपना ही अपना टेस्ट होता है। तो इसको आप रोटी पूरी पराठे किसी से भी खाएं, इनफैक्ट 6-7 दिन रखकर फ्रिज में भी खाएंगे तो भी ये टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, कब बना रहे हो रेसिपी मुझे कमेंट में लिखकर आप ज़रूर बताना, बहुत अच्छी लगेगी आपको ये सब्जी मिर्च कचरिया की। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। आपने वीडियो देखी अपने कीमती समय में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।